हाय, लेट मिडिल एजेस के समय यूरोप के सबसे ताकतवर साम्राज्य में से एक था ओटोमान एम्पायर। लेकिन यूरोप के बहुत सारे साम्राज्य जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड का भी अमेरिका में अपना कॉलोनी था, लेकिन ओटोमान का कोई कॉलोनी नहीं था अमेरिका में। आखिर ऐसा क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे ओटोमान ने भी स्पेनिश पुर्तगीज नेवी की तरह उतना पावरफुल नहीं था। ये बात गलत है, क्योंकि वास्को दा गामा की इंडिया की समुद्री मार्ग की खोज मिलने के बाद हिंद महासागर के जगह जगह पर पुर्तगाल और ऑटोमान के बीच लड़ाई चलता था। इस युद्ध के दौरान कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, तो यह कहना गलत होगा कि ऑटोमान ने भी उस समय कमजोर था। अमेरिका में कॉलोनी ना बना पाने का कारण है ऑटोमान एम्पायर के कुछ तकलीफें, जैसे ऑटोमान साम्राज्य के लगभग आधे लोग क्रिश्चियन थे, तो नेचुरली रूलिंग मुस्लिम लोगों के ऊपर उन लोगों का एक गुस्सा रहेगा, ये बात तो लाजमी है। तो इन लोगों को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना भी एक समस्या है। ऑटोमन के चारों तरफ दुश्मन थे, एक तरफ पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ, एक तरफ ऑस्ट्रियन साम्राज्य, एक तरफ पर्शियन सफाविद साम्राज्य और एक तरफ इमर्जिंग पावर जार साम्राज्य। इन सब की दृष्टि से अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना ही एक मुश्किल काम था ऑटोमन के लिए, इसलिए ऑटोमन बार बार लड़ता रहता था इन लोगों से। अमेरिका पर अपना कॉलोनी ना बना पाने का एक और कारण था ऑटोमन एम्पायर की जियोग्राफिक लोकेशन। किसी भी तरह से अटलांटिक महासागर में पहुंचने के लिए दो रूट से जाना पड़ेगा, एक तो भूमध्य सागर के थ्रू जिब्राल्टर क्रॉस करके और दूसरा हिंद महासागर के थ्रू केप ऑफ गुड होप से घूम के। अब दूसरा रूट से इतना घूम के जाना पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन बचता है। लेकिन तकलीफ है, स्पेनिश और पुर्तगीज नेवी ऑटोमन शिप को जिब्राल्टर क्रॉस करने ही नहीं देगा, तो अब क्या करे? ऑटोमन सुल्तान ने एक प्लान बनाया, अगर किसी भी तरह से नॉर्थ अफ्रीका को कब्जा किया जाए तो अटलांटिक महासागर का एक्सेस तो इजी मिल जाएगा, फिर अमेरिका जाना चुटकियों का काम। इजिप्ट तक तो सीमा था ही, इसके बाद ऑटोमन ट्यूनिसिया और अल्जीरिया पर हमला करके कब्जा कर लिया। अब बारी थी मोरक्को की, एक बार अगर मोरक्को हाथ में आ जाए तो बिंगो। लेकिन स्पेन को यहाँ पे घाटा हुआ, स्पेन का नॉर्थ अफ्रीका में ऑलरेडी कुछ कॉलोनी था जो ऑटोमन थ्रेट के वजह से बिल्कुल सेफ नहीं था, कुछ जगह को तो ऑटोमन कब्जा भी कर लिया। स्पेन का डर ये था कि अगर मोरक्को कभी भी ऑटोमन के हाथों चला जाता है तब एक तो नॉर्थ अफ्रीका में स्पेन का बाकी के कॉलोनी भी चला जाएगा और ऑटोमन को अटलांटिक महासागर का एक्सेस भी मिल जाएगा। इसीलिए ऑटोमन थ्रेट को काउंटर करने के लिए स्पेन मोरक्को को फुल सपोर्ट किया। उस समय मोरक्को में वत्तसी डायनेस्टी और सादी डायनेस्टी के बीच झमेला चल रहा था। बाद में सादी डायनेस्टी पूरे मोरक्को को अपने कंट्रोल में लाने में सक्षम हुआ, इसीलिए वत्तसी डायनेस्टी ऑटोमन से सपोर्ट मांगा और सादी डायनेस्टी पर हमला करने के लिए कहा। ऑटोमन ने वत्तसी डायनेस्टी को कहा कि हम आपको जरूर आपकी साम्राज्य लौटा देंगे, बदले में आप हमारे एक वसल स्टेट बने रहोगे। वत्तसी डायनेस्टी मान गया। इसके बाद ऑटोमन मोरक्को की राजधानी फेस पर हमला किया और फेस का पतन हुआ। बाद में एक और बार ऑटोमन फेस पर हमला किया, इसमें भी फेस का पतन हुआ, लेकिन ऑटोमन पूरे मोरक्को पर अपना कंट्रोल बना नहीं पाया और इसी के साथ साथ ऑटोमन की अमेरिका में अपना कॉलोनी बनाने का सपना भी टूट गया। कॉलोनी ना बना पाने का एक और माइनर कारण है, हिंद महासागर के व्यापार से ऑटोमन को बहुत फायदे हो रहा था, इसलिए ऑटोमन इतना जोर नहीं लगाया कि किसी भी हालत पर अमेरिका पर अपना कॉलोनी बनाना ही है। अगर सच में ऑटोमन की कोई कॉलोनी अमेरिका में होता तो क्या होता? इसका एकमात्र जवाब है, कॉलोनी कभी बनता ही नहीं, क्योंकि भले ही यूरोप के सारे देश एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम थ्रेट को काउंटर करने में सब एक साथ मिलके ऑटोमन को अमेरिका से भगा देता। तो ये थी आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।